हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर, जहां पे एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग करने के लिए, वो मैं आप लोग को आज सिखाने वाला हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे, क्योंकि इसके बाद और बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, वी वैप के ऊपर आने वाली है, जो एक कह सकते हैं ना कि बहुत एक पॉपुलर वर्ड है। वी वैप से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वी वैप तो सिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे बढ़कर कुछ आपको सिखाऊंगा जो होता है वी वैप ब्रेकआउट फेलियर। ओके, मतलब हम ब्रेकआउट का तो वेट करते हैं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होगा, हम एंट्री लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट जब फेल हो जाता है तब पैसे कैसे कमाना है। ओके, हम ब्रेकआउट फेलियर का वेट करेंगे और पैसा छापेंगे उसके अंदर, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपसे मिस ना हो, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और बहुत कम समय के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आप अच्छा खासा मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकें। ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बेस्ट वर्क करती है। अगर आप स्विंग ट्रेड के अंदर जाते हैं तो भी बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करती है। उसके साथ आप इसको स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं, कॉमोडिटीज़, मेटल, ऑयल, किसी चीज़ के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। ओके, तो मैं आपको सिखाता हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। 30 डे का मतलब 30 डे का मूविंग एवरेज रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 15 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। ओके, अब जैसे कि जो कैंडल है, अब कैंडल देखो इस हिसाब से होता है। सपोज़ कीजिए ये जो कैंडल है, ये इसका हाई गया, ये लो गया, ये बीच का पार्ट बॉडी हुआ। तो जब कैंडल का ये जो हाई है, ये 30 डेज की जो मूविंग एवरेज आ रही है चल रही है, ओके, इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है यहाँ पे, ओके, तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। ओके, और प्राइस जब ऐसे ऐसे चलते जा रहा है आप अपना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाओ, और उसके बाद से कैंडल का जो लो है, ठीक है, वो 15 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ जब ब्रेक करता है आपको यहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, समझिए मेरी बात। और उसी तरह से सपोज़ कीजिए ये 30 की जो लाइन है मूविंग एवरेज है, और ये जो है ये है आपका 15 का। तो जब कैंडल का जो लो है वो 30 को यहाँ पे ऐसे ब्रेक करता है, आपको यहाँ पे ओपन करना है शॉर्ट पोजीशन और प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाइए। और ये वाली जो लाइन है ये 15 की है, तो कैंडल जो है यहाँ पे इस तरह से प्राइसिंग बनते रहेंगे इस तरह से। ओके, और बीच में जब कभी कैंडल की जो प्राइस है उसका जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई पिन है, ये जब 15 वाला जो हमारा जो मूविंग एवरेज है इसको हिट कर देता है, तब आपको एग्जिट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है, इट्स दैट सिंपल। अदरवाइज आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर हैं, तो जब पिन जो है ये 15 मूविंग एवरेज को टच करता है, मतलब कि कैंडल का जो हाई है इन केस ऑफ शॉर्ट पोजिशन इसको टच करता है, तब यहाँ से आप अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्टार्ट कर दो। ओके, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, और जब वो हिट होगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने क्या किया, लॉन्ग पोजीशन ओपन की, उसको एग्जिट की 15 पे। ओके, उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट हमें शॉर्ट कब करना है, सेल कब करना है। तो बहुत सिंपल है, 13 डे का न्यू लो ब्रेक जब बनाएगा, ओके, तब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, और उसको एग्जिट कब करना है, जब 15 डे का जो हाई नया हाई बनेगा, ओके, तब हमें एग्जिट करना है या बाय करना है। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अब उसी तरह से दो और मूविंग एवरेज पेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है और उसको एग्जिट करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था 30 और 15 का बताया था, जो आप मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छा दिख रहा है, वो मैं अभी आपको चार्ट्स के अंदर दिखाऊंगा। उसके साथ ही 50 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, 50 को आप एंट्री के लिए यूज़ करना है, 25 को जो आपको एग्जिट के लिए यूज़ करना है। और एग्जांपल जो मैंने इससे पहले बताया था सेम चीज़ है, ओके, कि इसको लॉन्ग कब करना है, जब कैंडल का जो हाई है वो इसको ब्रेक करेगा 50 पे, तो लॉन्ग करना है, और एग्जिट कब करना है, जब कैंडल का जो लो है वो 25 को नीचे की तरफ हिट करता है। ओके, और इसका अपोजिट शॉर्ट पोजिशन में होगा। उसी तरह से एक और जो पेयर है मूविंग एवरेज का, वो 100 और 50 है, सेम चीज़ है, सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और 100 और 50 ये सब जो है आप बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो आपको इसमें अच्छा एक खासा एक आइडिया मिलेगा। जैसे कि आप डेली चार्ट में देखते हैं तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको मार्केट का आइडिया मिल सकता है, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1 आवर, 4 आवर्स भी इनफ है
इन सबको यूज़ करने के लिए। ओके, तो अब मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और ये सारे मूविंग एवरेज को दिखाता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ बैंक का स्टॉक्स पकड़ते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से उसमें परफॉर्मेंस दिखती है और किस हिसाब से कितना एक्यूरेट है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है, निफ्टी का ओपन किया, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ दिस ब्रेकआउट बाय सेल सिग्नल। ओके, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान से आप देख लो। मैंने चार्ट के ऊपर कुछ डाला नहीं है, सिर्फ क्या डाला है यहाँ पे, एक जो ग्रीन कलर का मैंने डाला है 30 मूविंग एवरेज डाला है। ओके, और उसके साथ मैंने रेड वाला जो डाला है उसको 15 किया है। उसको मैंने रेड इसलिए किया है ताकि एक आइडिया मिले कि भाई रेड पे एग्जिट करना है, ग्रीन पे बाय करना है। और ये आज का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें शॉर्ट कब करना है, जब प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है विद ए न्यू लो। ठीक है, ये न्यू लो बना, ये 30 यहाँ पे चल रहा था, मूविंग एवरेज चल रहा था, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा और 30 डेज का एक न्यू लो यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपको ओपन करनी है एक शॉर्ट पोजिशन, प्रॉफिट को लेते जाइए और जब ये कैंडल का जो हाई है इसको एग्जिट कब करना है, कैंडल का जब हाई है वो 15 मूविंग एवरेज को जब ब्रेक करता है तब। ओके, कैंडल का हाई यहाँ पे जब से ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पे किया तो हमने एग्जिट कर दी, यहाँ पे अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कमा लिया। उसी तरह से यहाँ पे एक लॉन्ग का एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें लॉन्ग कब करना था, क्यों जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे एक नया हाई बनाया, ओके 30 डेज पे ऊपर ब्रेक किया यहाँ पे, तो हमने ओपन की यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन ओपन की, प्राइस ऊपर चलता गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 15 डेज का जो रेड वाला है उसको कैंडल ने यहाँ पे जाके ब्रेक किया। ओके, तब जाके हमने यहाँ पे एग्जिट की। उसके साथ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर सपोज कीजिए आपको लगता है कि एकदम क्लोज आ रहा है यहाँ पे लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है 15 डेज को, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो हमेशा से याद रखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर। नो डाउट अब कभी जल्दी हिट हो जाता है तो हमें कम प्रॉफिट होता है, लेकिन ये सुकून रहता है कि हम प्रॉफिट के अंदर ही निकले। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी अपने लॉस को बचाने के चक्कर में वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है तो आप निकलने की कोशिश भी करते हो तो नहीं निकल पाते हो। तो हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो, या प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट जोन के अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को यूज करो। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ और 50 और 25 को हम यूज करके देखते हैं क्या होता है। तो 25 पे हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, मैं इसको यहाँ पे 25 कर देता हूँ रेड वाले को और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि 50 ये सब जो है थोड़ा और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस है, तो इसको पकड़ के भी आप ट्रेड कर सकते हो। जितना आप कम मूविंग एवरेज लोगे उतना वो प्राइस के क्लोज चलेगा और वो स्कैल्पिंग में बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन अगर 50-25 को यूज करते हो तो आप थोड़ा सेफर हैंड चलते हो कि हाँ ठीक ठाक यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या बढ़िया लगता है और कौन सा टाइम फ्रेम आपको सही लगता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, तो मेरे हिसाब से देखिए अगर मैं चार्ट में देखूंगा तो मुझे 1 आवर पे अगर सारी चीजें बढ़िया दिख रही है तो मैं 1 आवर को पकड़ूंगा, अगर 5 मिनट पे दिख रहा है तो मैं 5 मिनट पे पकड़ूंगा। अगर मुझे 5 मिनट पे सारी चीजें बहुत घिचपिच दिख रही है, मतलब फटाफट एंट्री हो रही है, फटाफट एग्जिट हो रही है, तो मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, मैं थोड़ा अच्छा टाइम फ्रेम पकड़ूंगा। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है या मार्केट में कुछ बैड न्यूज वगैरह आती है तो उस समय थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना ही बेहतर होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं 50 और 25 को यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस ने न्यू 50 डे का हाई बनाया, यहाँ पे उसको ब्रेक किया, उसके बाद से हमने एंट्री ली, प्राइस ऊपर ऊपर गया, हमने एग्जिट कब किया जब कैंडल पे लो ने 25 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन होती है जहाँ पे 50 डेज का एक ब्रेकआउट हुआ है न्यू लो के साथ, ओके कैंडल ने नीचे तक ब्रेक किया है, हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन की। ओके, और हम वेट कर रहे हैं कि कब ये कैंडल जो है ये 25 वाला जो रेड वाला लाइन है इसको हिट करता है, उसका हाई हिट करता है, ये कैंडल पूरा उसके ऊपर चले जाता है, तब वहां से हम एग्जिट करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे आपको 100 और 50 का भी आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। अब फटाफट यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है 50 और 25 को यूज करके। 50 क्या होता है, 50 ब्रेकआउट होता है जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और 25 जो होता है वो उसका एग्जिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा प्राइस ऊपर ऊपर चल रहा है और जब प्राइस ने 25 को यहाँ पे ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, तब हमने यहाँ से एग्जिट कर ली। फिर यहाँ से वापस ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया और जब रेड वाले को कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तब हमने एग्जिट कर लिया। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी जरूरत रहेगी,
हो सकता है आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, 30 और 15 को यूज कीजिए, वो बेहतर लगता है उसको यूज कीजिए। 50 या 25 को यूज करना है तो उसको भी कर सकते हैं। चार्ट्स को देखिए, टाइम फ्रेम को देखिए, उस हिसाब से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे काफी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। और आप चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टॉप, दूसरा टॉप डबल टॉप हुआ, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। यहाँ पे नेकलाइन हुआ, इसका जहाँ हाइट हुआ सेम हाइट, यहाँ तक प्राइस नीचे गया। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, पैटर्न्स वगैरह को सीखते हैं। तो अगर आप एक चीज को लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ और आपको एक सपोर्टिव की तरह दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे डबल टॉप दिख गया या डबल बॉटम दिख रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। ओके, अब उसी तरह आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो है, ये मैं 5 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम पकड़ा है और 50 और 25 को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे काफी अच्छा मुझे रिजल्ट दिख रहा है। ओके, कंपेयर टू 1 आवर का जो चार्ट था, चीजें अच्छे से दिख रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस नीचे नीचे गया, मैंने एग्जिट कब किया, जब कैंडल ने रेड वाले को यहाँ पे ब्रेक किया, कैंडल के हाई ने ब्रेक किया। ओके, तो बहुत ईजी है एंड आई एम श्योर कि इसको यूज करके आप मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आई एम श्योर कि इसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हैं एंड इनफैक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, आपने चार्ट्स के ऊपर देखा भी है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो आपसे मिस ना हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं वीवैप के ऊपर, और मूविंग एवरेज की जो सीरीज़ है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। और इनफैक्ट कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये जो बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ये आप लोगों को मैं सिखा दूं जो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में या बड़े से बड़े सेमिनार के अंदर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वही इंसान आपको सिखा सकता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव ट्रेडिंग करता है फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। ओके, तो मैं दिन भर इसी के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास जब वक्त मिलता है ऑफिस के अंदर तो मैं फटाफट चार्ट्स के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।